हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और एजेंट्स जब भी बाय करते हैं तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आए हमारे वेस्ट लाइन पे। और ऑनलाइन जिस तरह से हम सोचते हैं कि बहुत इजीली बाय करना होता है, एक्चुअली होता नहीं है। जैसा हमारे मन में एक इमेजिनेशन बनता है, उस अकॉर्डिंग का या नहीं आएगा, बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे मन में होती है। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गाइस, सो नो वरी गाइस, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 4 to 5 हायर एजेंट्स, और जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। सो गाइस, आई रियली होप कि इस वीडियो के अंत तक आपको आपकी फेवरेट हायर एजेंट्स मिल जाए। की वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ आपको 4 to 5 जीन्स जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किए हैं, और सारे ही हाई वेस्टेड हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स शॉर्ट हाइट गर्ल पे हाई वेस्टेड जीन्स बहुत ही अच्छी फ्लैटिंग लगती है, और एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक और फैक्टर है कि हम क्रॉप टॉप के साथ आसानी से पेयर कर सकते हैं, उसमें टमी दिखने की चांस नहीं होती है। और गाइस, आज जो भी मैं आपके साथ जीन्स शेयर करने जा रही हूँ, सारी ही अंडर 1000 हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। और ब्रांड ऐसे मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, और इवन एक दो जीन्स मैंने वेयर किया हुआ है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, फर्स्ट जीन्स जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये ड्रेसबेरी का है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इसे वॉश भी किया है। और गाइस, ये बॉयफ्रेंड जीन्स है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपकी वेस्ट लाइन पर, ये अच्छे से फिटिंग आती है, उसके बाद थोड़ा बैगी लुक आता है। तो ऐसे जींस पे फिटेड टॉप पहने बहुत अच्छा लगेगा। इसका कलर ब्लू है, यहाँ पे लैटली फिटेड है। अब जींस जब भी लें तो उसकी पॉकेट ज़रूर देख लें, पॉकेट की साइज़ थोड़ी बड़ी हो, ताकि आपका बट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा विजिबल ना हो। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, 5 पॉकेट हैं, 1, 2, ये आप देख सकते हो आगे 3, 4, 1 more 5, 5 पॉकेट आई थिंक सारे ही जींस में आ जाते हैं। इसमें इस तरह से बैगी लुक है, यहाँ से थाई के आसपास से ये लूज आती है बॉयफ्रेंड जींस में। और गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही अफोर्डेबल था, मैंने काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मैंने परचेस किया था। इसकी प्राइस अप्रॉक्स 750 के आसपास थी, और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। मैंने सारे की स्क्रीनशॉट इसलिए भी लगा दी है कि आपको एक्यूरेट प्राइस पता चल सके कि मैंने कितने में बाय किया है। और ये मैंने 2 to 3 टाइम्स मैंने वॉश किया है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये समर फ्रेंडली है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसकी फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। सारी जीन्स की फैब्रिक काफ़ी थिक होती है, जब आप समर में पहनते हो तो बहुत ही अनईजी फील होता है, स्वेटिंग आने लगती है। बॉयफ्रेंड जींस में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है वेयर करना, और किसी तरह की स्वेटिंग और किसी तरह का अनईजी वाली फीलिंग नहीं आती है, और बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक पहन सकते हो इसे। नेक्स्ट जींस की बात करें गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जींस का जो हाई वेस्ट होता है, मेंशन तो हाई वेस्टेड रहता है, पर इसकी जो लेंथ होती है हाई वेस्ट की, बहुत ही कम होती है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, तो बहुत अब नहीं आ पाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा टमी फैट नहीं है तो आप इसे परचेस करने का सोच सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी अफोर्डेबल थी, 750 के आसपास ही इसकी प्राइस थी। और इस तरह से इसमें 3 बटन्स दिए हुए हैं फ्रंट साइज में, और यहाँ पे जिप दी हुई है फ्रंट में 2 पॉकेट है, और पीछे की पॉकेट साइज भी सही है। और डार्क ब्लैक कलर है, तो ब्लैक और वाइट ऐसा कलर होता है ना कि हमारी बहुत सारी टी शर्ट और बहुत सारी कुर्ती इस पर चला जाता है, इसलिए मैंने ये परचेस किया था। मीन्स प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो, पर अदरवाइज मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है। बेलिक की जींस है, और 28 साइज है, और इसमें भी फ्रंट में इस तरह से बटन्स दिए हुए हैं, 3, 4, 5 बटन्स हैं, इसमें जिप नहीं है। और जब मैंने इसे बाय किया, जब मैंने वेयर किया, तो बहुत ही मतलब जैसा हमारा एक इमेजिनेशन होता है मॉडल को देखने के बाद, जो पिक्चर में मॉडल आप देख रहे हो,
तो एकदम परफेक्टली वैसा ही मुझ पर लगा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और कलर जैसा मैं चाहती थी, एग्जैक्टली जिस तरह का पिक्चर में कलर आपको दिख रहा है एग्जैक्टली उसी तरह का डार्क नेवी ब्लू है कलर, और थोड़ा फेडेड यहाँ पे आपको फेडेड लुक दे रहा है। कारण क्या होता है ना कि जब हम वेयर करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ तक ही आया है, इसके बाद ये बेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसका बन जा रहा है, क्योंकि ये फ्लेयर्ड जींस है तो अभी बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। तो इसके कारण एक इल्यूजन क्रिएट होती है कि आपका जो लेग है काफ़ी स्लिम दिखता है, काफ़ी फ्लैटरिंग लगता है आपके बॉडी पे। अगर आपकी थोड़ी मोड़ी थाई है, ऐसे जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें काफ़ी स्लिम लुक आता है। जो पूरी लेंथ है नी तक लेंथ काफ़ी फिटेड आती है, उसके बाद एक बेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको नीचे की तरफ दिखता है, जिसके कारण आप, इसमें 4 पॉकेट है, आप पीछे की तरफ भी देख सकते हो, थोड़ा सा शेडेड फिटेड लुक यहाँ पर भी आ रहा है, और इसके में भी स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं इसमें भी स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नी तक काफ़ी अच्छा फिटेड लुक आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेल काइंड ऑफ थोड़ा सा लूज आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है वेयर करने के बाद। इसकी प्राइस 1000 के आसपास मैंने परचेज की है। थर्ड जीन्स था, फोर्थ जो मैं दिखा रही हूँ वो इथर ब्रांड का है, ये हाई वेस्टेड जींस है, और इसका जो फिट है वो टेपर्ड फिट है। जो लोग पियर शेप बॉडी के होते हैं उन पर टेपर्ड फिट बहुत ही फ्लैटरिंग लगता है, क्योंकि इसमें जो थाई के आसपास जो होता है वेस्ट लाइन पे बहुत अच्छी फिटिंग मिलती है, उसके थाई और बट एरिया में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी पे बहुत फ्लैटरिंग लगता है। उसके बाद यहाँ जो नीचे की तरफ आते हैं, जैसे स्लिम फिट से थोड़ा इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी बात है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें आई थिंक कॉटन प्लस इलास्टिन का मिक्सचर है, तो कॉटन के कारण बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक हो जाता है, और समर में हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि कॉटन की ही क्लोथिंग आइटम पहने वेयर करें, क्योंकि जो हमें बॉडी स्वेटिंग होती है उसे कॉटन फैब्रिक तो एब्जॉर्ब कर लेता है पर पॉलिएस्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और गाइज इसकी प्राइस कर बात करें तो इसकी प्राइस थी अप्रॉक्स 700 या 750, और इस पे भी 5 पॉकेट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये फोर्थ जींस थी। अब फिफ्थ गाइज, ये एक ट्राउज़र है और चेक पैटर्न में है, और चेक पैटर्न में अभी काफ़ी ज़्यादा इन फैशन है। इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी है और H&M काफ़ी नोन ब्रांड है। आप आई थिंक 799 के आसपास मैंने इसे परचेज किया है, और आई थिंक शायद अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो बाय कर सकते हो। इस तरह से नीचे की तरफ फ्रिंज हेम दी हुई है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है और क्रॉप्ड लुक देता है, और अभी ट्राउजर्स काफ़ी इन फैशन है, और ये सुपर स्किनी एंकल हाई वेस्ट पैंट है, और इसकी साइज 40 आई है। मुझे अजीब सी बात है, मैं रेयरली, मैं मोस्टली 28 और हाई वेस्ट में 26 वेयर करती हूँ, पर जब मैंने इसे परचेज किया तो मुझे ये आ नहीं रही थी, फटी नहीं हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं है, ये 100% कॉटन है, तो जब इलास्टिन मिक्स होती है तब स्ट्रेच आता है किसी भी फैब्रिक में, किसी भी जींस में, इसमें स्ट्रेच नहीं है, इसके कारण इसकी क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो प्योर कॉटन के फैब्रिक के जींस होती है, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहते हैं, उसकी क्वालिटी में अंतर नहीं आती है। तो गाइस ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और गाइस जितने भी मैंने आज आपको जींस और पैंट दिखाए हैं सारे ही 800 के अंदर हैं, सिर्फ एक जींस 1000 का है। तो अगर आप अफोर्डेबल जींस, हाई वेस्टेड जींस परचेज करने का सोच रहे हो और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट हाइटेड गर्ल के लिए ये परफेक्ट है। मेरी हाइट भी अप्रॉक्स 5'2" 5'3" है, तो मैं मोस्टली हाई वेस्टेड जींस ही पहनती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल
एंड हिट द बेल बटन ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स।